जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। रीडिंग टाइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए CDP के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं, और आज हमने जितने भी क्वेश्चन तैयार किए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से तैयार किए हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखिए। बुनियादी स्तर यानी कि जो प्राथमिक स्तर है उस पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह है। ये रहे आपके ऑप्शन। पहला है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी ऑप्शन है अधिगम को सरल बनाएगा, सी ऑप्शन है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, और आपका डी ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत ही बेस्ट विकल्प है। इसलिए बच्चों को हमेशा मातृभाषा में शिक्षा दीजिएगा। इससे क्या है, बच्चे के जो भी आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी घटित हो रहा है उसको बच्चा जल्दी से जल्दी कैच करता है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आपका। नेक्स्ट देखिए, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम श्याम पट पर कुछ भी लिख रहे हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है कि आपकी अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ऑप्शन बी है लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी है आपका बड़े अक्षरों में लिखना, और ऑप्शन डी है आपका छोटे अक्षरों में लिखना। तो हम आपको बता दें कि लेखन में स्पष्टता है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके लेखन में स्पष्टता नहीं है तो आपका जो भी लिखा हुआ है वो व्यर्थ ही जाने वाला है। इसलिए लेखन में स्पष्टता होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बच्चा है वो जल्दी आपकी बातों को कैच करता है, बोर्ड से जो भी आप करवा रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी पकड़ता है। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। पहला है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, ऑप्शन बी है उसे दंड देंगे, ऑप्शन सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे, और ऑप्शन डी है आपका उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो हम आपको बता दें कि कोई भी छात्र है वो कक्षा में देर से आता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका जो कारण है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है जी, कारण जाने बगैर हम कोई भी कदम है वो नहीं उठाएंगे। पहले कारण जानेंगे, उसके बाद जो भी उसको समस्या है उसको हल करने का हम यहाँ पर प्रयास है वो करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यालय में विद्यार्थी को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। हम बच्चों को कैसे विद्यालय में मोटिवेट है वो कर सकते हैं। ये रहे आपके ऑप्शन। पहला है चुने गए अध्ययन द्वारा, हमने जो भी अध्ययन है उसको चुन रखा है उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन सी है गहन अध्ययन द्वारा, ऑप्शन डी है आपका सहस्वर अधिगम द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहने वाला है, सहस्वर अधिगम। सहस्वर अधिगम के अंतर्गत क्या आता है, हम कोई भी स्पीच देते हैं, कुछ भी बच्चों को अनुवाद करके सिखाते हैं, या कोई भी हम कोई भी कक्षा में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उससे भी हम बच्चों को अभिप्रेरित है वो कर सकते हैं। इसलिए सहस्वर अधिगम द्वारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही आपका विकल्प है वो रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा जो एजुकेशन है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका क्या पर्पज़ होना चाहिए। देखिए आपके सामने ऑप्शन है। पहला है विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, और ऑप्शन डी है आपका व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो हम आपको बता दें कि जो शिक्षा का जो मेन जो एम होता है, जो मेन जो मोटिव होता है, वो यही होता है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, उन्हें जीवन की जो कला है वो सिखाना। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। यहाँ पर किंचित का अर्थ हम आपको बता दें, किंचित होता है अल्प या थोड़ा। तो देखिए, विद्यार्थी में हमें जो अवांछित उसका जो व्यवहार है उसमें थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना है, तो सबसे जो प्रभावी पद्धति है वो आपको बतानी है। देखिएगा, ये रहे आपके ऑप्शन। पहला है विद्यार्थी को दंड देना। मैं आपको बता दूँ, विद्यार्थियों को दंड तो कभी भी भूल कर भी नहीं देना है हमें। नेक्स्ट देखिए, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, बहुत ही ज़रूरी है। ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन डी वैसे ही गलत हो जाएगा आपका, इसकी उपेक्षा करना, उपेक्षा किसी की नहीं करनी हमें। इसलिए आप हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अवांछित व्यवहार के कारणों को सबसे पहले जो कारण है उसके जो रीजन है उसको हमें ढूंढना है, सर्च करना है, फिर उसके बाद हम उपचार करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आपको कुछ शुभकामनाएं जो पत्र है वो भेजा है, आप क्या करेंगे? आप देखिएगा आपको क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, ये तो हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, उन्हें धन्यवाद देंगे, बिल्कुल हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। ऑप्शन सी देख लेते हैं, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं है। और ऑप्शन डी है आपका, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, ये भी नहीं है जी। तो हम आपको बता दें कि उन्हें धन्यवाद देना बहुत ही ज़रूरी है, और ये धन्यवाद हम किस तरीके से देंगे, हम ऑफिशियल रूप से बच्चों को धन्यवाद है वो देंगे, औपचारिक रूप से हमें उनको धन्यवाद है वो करना चाहिए। आगे देखिए, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका आंसर हम भी यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है। यहाँ पर जो मोस्टली जो यही पहला ऑप्शन करते हैं, जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो हम पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट करते हैं। लेकिन आगे देखिए, शिक्षक असफल हैं, तीसरा देखिए पाठ्यपुस्तकें असफल हैं, चौथा है ये व्यक्तिक असफलता है। तो देखिएगा, ये व्यक्तिक असफलता होती है, ठीक है जी, यहाँ पर पद्धति असफल है वो नहीं होती है, यहाँ पर यह व्यक्तिक असफलता है। तो मोस्टली बार कई बार मैंने भी देखा है, मोस्टली स्टूडेंट ए ऑप्शन है इसको टिक करते हैं, इसलिए आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब है वो ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, पहला है उत्तरदायित्व की अनुभूति, दूसरा है ईमानदारी, तीसरा है सहभागिता, और ऑप्शन डी है आपका आज्ञाकारिता। तो हम आपको बता दें कि विद्यार्थी उसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो होती है आज्ञाकारिता, इसलिए सभी विद्यार्थियों को आज्ञाकारी है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? कोई भी विद्यार्थी ऐसा करता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये है आपके सामने ऑप्शन। पहला है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, नहीं ऐसा तो हम नहीं करेंगे। बी है उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ये भी नहीं कर सकते हम। ऑप्शन सी है उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, अरे दंडित तो हमें बच्चों को करना ही नहीं है। ऑप्शन डी है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी। हमें इस टाइम क्या करना है, हमारा कोई भी टॉपिक चल रहा है, हम कोई भी पार्ट पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा असंबद्ध यानी कि पार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो नहीं कर रहा है, तो उसका हम आंसर कैसे देंगे? तो हम क्या करेंगे, कक्षा के बाद उसका जो उत्तर है वो देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और हमें कोशिश नहीं करना है, इस बच्चे का जो आंसर है वो उसको देना है। नेक्स्ट देखिएगा, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, क्या होना संभव है देखिएगा, यानी कि आपका 12 वर्ष यानी कि किशोरावस्था में, पहला है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, दूसरा है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, सी है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, और डी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका यहाँ पर, किशोरावस्था में क्या होता है, समकक्षी जो अनुमोदन है उसके लिए बेचैनी बनी रहती है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, कई बार क्या होते हैं स्टूडेंट्स हैं वो विद्यालय से भाग जाते हैं, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, ऑप्शन बी है आपका विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, और ऑप्शन डी है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हम आपको बता दें कि बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और उनकी तरफ हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे हैं वो स्कूल में टिक सके और अच्छे से अध्ययन कर सकें, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, अगर हमें बच्चों में श्रम की जो स्फूर्ति है उसका विकास करना है तो हम क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षक अपने श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, ऑप्शन बी है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा, ऑप्शन सी है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि अगर हमें विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो विद्यार्थी उनको हमें समय समय टाइम टू टाइम श्रम करने का जो अवसर है उनको देना पड़ेगा, जो बार बार मौके हैं वो उनको देने पड़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है, पहला है मानवीय सामूह में परिवर्तन का परीक्षण करता है, बी है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, सी ऑप्शन है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, और आपका ऑप्शन डी है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कार्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो हम आपको बता दें कि इसका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि किसी बच्चे में संज्ञानात्मक सामाजिक तथा नैतिकता के कार्मिक विकास को बाल विकास कहा जाता है, जो एक दूसरे के कार्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आपका। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, देखिएगा प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, ये रहे आपके ऑप्शन, पहला है ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, बी है परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, सी है ये बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका वो बन जाता है, और डी ऑप्शन है ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता है वो करता है। तो हम आपको बता दें जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनके लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता है वो करते हैं। तो देखिए आज हमने आपको CDP से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां पर हम आपको डेली क्विज है वो करवाते हैं, और वहां से आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा बेटर होने के चांसेस है वो बन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।